ప్రజాపతిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశ ఋషిభ్యో మహద్భ్యో నమో గురుభ్యః సర్వోపప్లవరహితః ప్రజ్ఞానఘనః ప్రత్యగర్థో బ్రహ్మేవాహమస్మి బ్రహ్మేవాహమస్మి ఓం శాంతి 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 శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం పాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతో పునఃపునః ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే పంచకం అథవా ఉపదేశ పంచరత్నం ఇస్ పర హమ్ విచార్ కర్ రహే ఇస్మే పాంచ్ శ్లోకో మే అలగ్ అలగ్ 40 ఉపదేశం కో సంగ్రహిత కియా హై ఉస్మే పహలా శ్లోక్ మే వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మస్వనుష్ఠీయతాం ఇస్ పర్ హమ్ కల్ విచార్ కర్ రహే థే కి వేద కి మహిమా క్యా హై వేద కైసే మానుష్ కో ఉస్కే పరమ ప్రాప్తి తక్ లే జాతా హై और क्यों वेद का अध्ययन करना चाहिए। फिर तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता, उस वेद में कहे हुए कर्म कर्मों को सुष्ठु अनुष्ठान करना चाहिए, ठीक अनुष्ठान करना चाहिए। तो कर्म कल कहे थे कि 4 प्रकार के होते हैं, नित्य नैमित्तिक काम्य
और प्रायश्चित इसके बारे में भी संक्षेप में कहा, जिसका रोज अनुष्ठान करते हैं सुबह शाम संध्या वंदन जप आदि के द्वारा उसको नित्य कर्म कहते हैं, जिसको कभी आप त्याग नहीं सकते, इसका त्यागने का विधान नहीं है। जब बहुत बीमार है, शैया से उठ नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर नहीं सकता, होश में नहीं है, ऐसे स्थिति में तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी सामयिक को करने को ही बोलता है। ये नित्य कर्म नैमित्य कर्म पर्वों में विशेष उत्सवों में जो अनुष्ठान करते हैं, ये निमित्त को लेकर के आने वाले नैमित्तिक कर्म। और काम्य कर्म होता है अपने इष्ट पूर्ति के लिए जो कर्म करते, पुत्र चाहिए, धन चाहिए इत्यादि, जिसके लिए कर्म करते हैं, काम्य कर्म में आते हैं। और इन कर्मों में जो दोष रह जाता है, इनके निवारण के लिए प्रायश्चित कर्म होता है। तो इस प्रकार कर्म चार है, इनका अनुष्ठान करते हैं। और उसके बाद उपासनाएं आती है। कुछ उपासनाएं इन कर्मों के साथ करने वाली उपासनाएं कुछ है, उनको कर्म अवबद्ध उपासनाएं कहते हैं। जैसे छांदोग्य उपनिषद में उद्गीध उपासना आया, ये कर्म के साथ करने का उपासना है। और बृहदारण्य उपनिषद में अश्वमेध याग के साथ करने के लिए उपासनाएं आई। ऐसे अनेक उपासनाएं हैं जो कर्म के साथ करते हैं, कर्म के बीच बीच में उपासनाएं होती है, उस भगवान का ध्यान करना होता है, इसको कर्मावध उपासना कहते हैं। कुछ अधिकारियों के लिए ये कर्तव्य होता है जो कर्म करते हैं उनके। और कुछ उपासनाएं होती है अभ्युदय उपासनाएं, उनका नाम है अभ्युदय उपासना, माना आपको कुछ प्राप्त करना है उसके लिए उपासना, अभ्युदय प्राप्त करने के लिए उपासना। ऊपर ब्रह्म लोगों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए उपासना, मन को सूक्ष्म बनाना चाहते हैं उसके लिए उपासना, मन विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उपासना। ऐसे तत्त्व शक्तियों को प्राप्त कर, विशेष रूप से ये उपासनाएं जो अभ्युदय उपासना है मन संबंधी है, इसलिए मन के संबंधित शक्तियां प्राप्त करने के लिए ही उपासनाएं इस्तेमाल होती है। उसके द्वारा शरीर में भी जो कुछ आएगा वो अलग है, किंतु मानसिक है ये सारी उपासना, इसको कहते हैं अभ्युदय उपासना। फिर तीसरे उपासना होते हैं, ये उपासनाओं में श्रेष्ठ है अहंग्रह उपासना। अहंग्रह उपासना ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, ये ज्ञान की पूर्व पीढ़ी है, पूर्व स्थिति में ये उपासनाएं प्राप्त होती है, इसके बाद ज्ञान प्राप्त होना सरल होता है। यो वसा अवसो पुरुषः सोहम अस्मि, अहम त्वमसि देवते, अहम त्वमसि भगवो देवते, त्वम अहमस्मि, ऐसे ऐसी वाक्य आता है कि उपास्य देव में और अपने उपासक जो अपने स्वरूप में जो उपासक है, इन दोनों में एक ही आत्मा को देखना। यो असावसो पुरुषः, आदित्य को संबोधन करके साधक कह रहा है कि आपके अंदर जो अंतर्यामी है वही मेरे अंदर भी है,
मेरे अंदर जो अंतर्यामी है आत्मा है वही आपके अंदर भी है। ऐसे जीव भाव को लेकर के, उसको छोड़ते नहीं है, उसको लेकर के अंतर्यामी का परस्पर विचार करना ये अहंग्रह उपासना करते हैं। इस प्रकार मुख्य तीन प्रकार की उपासनाएं हैं। ये भी कर्म के बाद शास्त्र में विधि है। इसके बाद आता है वेदांत। तो वेदांत में परमात्मा की व्यापकता, नित्यता, सूक्ष्मता इत्यादि समझाने के लिए अनेक प्रक्रियाएं अपनाई, उन प्रक्रियाओं के द्वारा आपको उसको समझाते हैं। वेदांत भाग इस प्रकार तदुदितम कर्म स्वरिष्ठीयताम, इस प्रकार के सब मिलाकर के वेद है। तो जो अधिकारी कर्म कर सकता है, मतलब जिसका शरीर कर्म करने के लिए प्रवृत्त होता है, कर्म के बिना जिसका मन स्थिर नहीं रहता, आंख बंद करके ध्यान नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो साधक है उसको कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। तो इसके लिए आगे के पंक्ति में कहते हैं, तेने शस्य विधीयताम अपचिति, तेने ईशस्य विधीयताम, इन कर्मों को करते हुए इनमें से नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, तीन कर्मों को ही ले रहे हैं, क्योंकि काम्य कर्म को त्यागने के लिए आगे कहेंगे। इसलिए नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों को करते हुए, उसमें भी मुख्य नित्य नैमित्तिक दो कर्म है, इनको भगवत समर्पण बुद्धि से करें। तेन कर्मणा ईशस्य विधीयता अपचिति, अपचिति का अर्थ यहां पूजा है, आराधना। इन कर्मों को करते हुए भगवत आराधना का विधान करें, मतलब भगवत आराधना करें। भगवत आराधना जब बोलेंगे वो केवल कर्म नहीं रह जाता है, वह भक्ति सहित कर्म होता है, उसको हम कर्मयोग कहते हैं। केवल कर्म करते हैं, कर्मकांडी लोग केवल कर्म करते हैं, वो भगवत समर्पण आदि नहीं करते, ये अंदर होता है। ऐसे कर्मकांडी अभी बहुत कम मिलते हैं जो भगवान को मानते नहीं। यह अद्भुत है, आपको सुनने को आश्चर्य होगा कि जो कट्टर कर्मकांडी थे वो ईश्वर को नहीं मानते थे, भगवान को नहीं मानते। जो पूर्व मीमांसक है उनको ईश्वर नहीं, वो निरीश्वरवादी। वे कहते हैं कि ये कर्म करते रहो तो इसके फल से ही आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त, इसके बीच में ईश्वर की लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इनमें पूर्व मीमांसा में जैमिनी आचार्य का जा है, ऐसे ऐसे आचार्य है, और कुमारी भट्ट और प्रभाकर आदि आचार्य हैं जिन्होंने पूर्व मीमांसा पर भाष्य लिखा, उदयन आचार्य। तो इनका पक्ष में ईश्वर नहीं है, ईश्वर को वो सीधे मानते हैं। तो कर्म से ही फल मानते हैं, अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, ये समर्पण की बात वो नहीं करते। समर्पण की बात आती है कर्म योग में, तभी वो कर्म योग बनता है। इसमें विशेषता क्या है कि साधारण जो कर्म किया वो कर्म करते रहने से उनके सिद्धांत के अनुसार कर्म करते करते ही सब फल प्राप्त होता है, किंतु भगवान गीता में जैसा कहा उस हिसाब से कर्म करते रहने से कर्म फल प्राप्त होगा, उसमें संसार की ही प्राप्ति होगी,
14 भुवन में कहीं भी आप जन्म लेंगे तो संसार में ही जन्म लेंगे, उससे मुक्ति होना संभव नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए, हम कर्म को छोड़ भी नहीं सकते हैं। नहीं देह भृदा शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, देहधारी हम हैं तो हम त्याग नहीं सकते कर्म को, तो क्या करें। तो बोला कि कर्म करो किंतु उसका फल का त्याग, फल मेरे में समर्पित। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्देय तत् कुरुष्व मदर्पण। ये गीता में आपको प्राप्त हो, वेद में कहीं भी ऐसे सीधा शब्द प्राप्त नहीं होता है। ईशावास्य विदर्भम सर्वम में कहा तेन तक तेन भुंजीदा, किंतु वहां त्याग का अर्थ और कुछ है। ईश्वर भाव से ज्ञान अवस्था में त्याग है, ये त्याग नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने ये बहुत ही आनुकालिक साधन बताया, एक हमेशा आनुकालिक बताना पड़ता है। पुराने से काम नहीं चलता है तो आधुनिक लोगों को समझाने के लिए उस समय उसी में कुछ मिलाना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान कर्मकांड में कर्म जो करते हैं नित्य नैमित्त कर्म, उसमें एक विशेष बात जोड़ करके आपको कर्मयोग साधन दिया। बहुत सरल साधन है, कोई भी कर सकता है। कर्म करते हुए भगवत अर्पण करना है, यह साधन यहां बता रहे हैं कि तेन ईशस्य विधीयता अपचिति। पूजा करें, समर्पण करें, यह अपचिति शब्द जो भगवान भाष्यकार यहां इस्तेमाल करते हैं बहुत सुंदर है। यद्यपि अपचिति शब्द का यहां अर्थ पूजा ऐसा है, किंतु पूजा शब्द नहीं रखते हुए उन्होंने अपचिति शब्द रखा। अपचिति का अर्थ होता है चयन को त्यागना, चयन मन जो आपने संग्रह किया इकट्ठा किया उसको त्यागना होता है। चीति चीज चयन करने के धातु से बनता है, चीति मन चयन करना, अपचिति मन चयन किया हुआ को निकाल देना, त्याग संग्रह को त्याग। सबसे पहले जब आप पूजा करने बैठेंगे आप अपनी सामग्रियों को त्यागते हैं, पूजा में छोड़ते हैं, अर्पण करते हैं, पुष्पार्पण करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, वस्त्रार्पण करते हैं, आर्घ्य देते हैं, पाधे देते हैं, निवेद्य देते हैं, ये सब अर्पण होता है, त्यागना होता है। किंतु ये सब, ये जो त्यागना है, ये सब आप सोचने में भगवान के लिए त्याग रहा हूं। ये पुष्प किसको अर्चन कर रहे हैं, भगवान को, भोग लगा रहे भगवान को, सब भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका लड्डू जिलेबी मीठा खा के भगवान नहीं जी रहा, आपके वस्त्र कपड़े की टुकड़ा भी भगवान को नहीं चाहिए, तो फिर आप इस कर्म को क्यों अर्पण कर रहे हैं। इस सबके सबको अर्पण करके तत्तद विषयों के संबंधी आपकी आसक्ति है, अभिमान को, अभिमान है, उसको अर्पण कर रहे हैं। भाव वही होना चाहिए। इसलिए पूजा शब्द का एक लाक्षणिक अर्थ होता है अभिमान त्याग। ये शास्त्रों में किया, शास्त्रकारों ने किया। इसी प्रकार ये शब्द अपचिति जो यहां रखा पूजा के लिए, इसका अर्थ होता है आपका संग्रह का त्याग। संग्रह तभी होता है जब ममत्व अभिमान होता है, ममत्व के बिना संग्रह नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप कर्मों को करते हुए अपने अभिमान को क्षण क्षण में त्यागें, ये कर्मयोग है। ममत्व को त्याग, ममत्व अभिमान होता है उसको त्याग। ये कैसे पता लगेगा कि हम ममत्व को त्याग रहे हैं कि नहीं त्याग रहे, ये पता लगेगा कि जो ममत्व को त्यागा, जिसने अभिमान को त्याग दिया, उसको कर्म करने के बाद उसके फल के बारे में चिंता नहीं होती है। अच्छा आया बुरा आया तो भी वो विचलित नहीं होता, नहीं कुछ किया नहीं जैसा उसको लगेगा।
अच्छा आया तो भी ठीक है, बुरा आया तो भी ठीक। और भी एक बात होती है, उस कर्म को कोई स्तुति किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े। और गलत हो गया काम, ऐसा कहा तो भी आपको कोई दुख नहीं। ये गीता भाष्य में भगवान भाष्यकार इस पर जोर दिया है कि कर्मयोग करने से क्या दिखाई पड़ता है उसका लक्षण। तो ये कहा कि उसको अच्छा बुरा सुख दुख स्तुति निंदा कुछ विचलित नहीं कर सकते। ठीक है, हमने जो करना था कर दिया, हम पूरे अपने तन मन से किए थे, अब उसमें अच्छा हो गया तो ठीक है, फिर बुरा हो वो गलत हो जाए हो गया तो वो भी ठीक है। इसका ये मतलब वो समझदार नहीं है ऐसा नहीं है, समझदार जरूर है किंतु अभिमान नहीं, मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं। ये बहुत विशेष बात होती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम जब कर्मयोग की बात करते हैं तो उसका जो परिणाम आता है उसी पर ही हमारा अभिमान टिका हुआ है कि हमने किया, सब लोग वाह वाह करें, ये भाव यदि मन में रखा तो कभी कर्मयोग नहीं हो सकता। आपने अभिमान को त्यागा ही नहीं उस कर्म के संबंध में, तो फिर कर्मयोग कैसे हो। इसलिए कर्मयोग का रहस्य भाष्यकार इस प्रकार बताते हैं, उसी को ही हाँ अपचिति शब्द से कहा। अपचिति का मतलब एक एक दिन पूजा करते करते आपका अभिमान कम होते जाना चाहिए, रोज रोज अहंकार कम होते जाना चाहिए, नहीं तो पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। जिनको आप इदम न मामा करके जो त्यागते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, वो वापस नहीं लेना चाहिए। वापस मतलब ये फिर अभिमान नहीं रखना चाहिए। ये दान का फल भी यही है कि हम दूसरे को दान देते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे के लिए दान दे रहा, दूसरे के लिए दान नहीं दे रहे हैं। आप दूसरे को वस्तु दे करके अपने लिए कुछ हित कर रहे हैं। दान करने से आपका अभिमान कम हो जाता है, वो अपने खुशी के लिए आप कर रहे हैं, अपने अच्छाई के लिए आप कर रहे हैं, दे रहे हैं दूसरे को। इसलिए आपको दान देते समय ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमें दान देने का मौका इसने दिया, हमसे ये दान स्वीकार करने का कृपा की हुई, ऐसा भाव होता। इसलिए दान करते समय पहले जमाने में दान करते समय नियम था कि आप जिसको दान कर रहे हैं उसके मुख में नहीं देखना चाहिए। कि दान करते समय जब आदमी को किसी चीज को दान करते हैं तो उसका एक मंत्र होता है, मंत्र पढ़ के अंत में हंदा ऐसा बोलेंगे, हंदा बोल के इसमें जल डालते हैं, हाँ इसमें जल डालेगा और उस समय जनेऊ को निकाल के सामने डालते हैं, क्योंकि जनेऊ का तीन बार बदलने का है। देवाहुति करते समय एक तरफ, पितर के लिए देते समय दूसरे तरफ, और मनुष्य को देते समय सामने से डालते हैं। और उस समय मंत्र बोलते हंदा, हंदा बोल करके जब जल आप चढ़ाते हैं उस समय नीचे देखना चाहिए, उसके मुख पे नहीं देखना चाहिए, ऐसा नियम है। क्योंकि सिर झुका के देना कि मैं दे रहा हूं, मेरे पास इतने पैसा है, ऐसा मैं इतने दे सकता हूं, ये अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। फिर नाम रखने की तो बात ही अलग है, सब लोग जो है कुछ दान देकर के नाम खुदवा के रखना चाहते हैं, ये तो वैदिक में तो विधान नहीं है कि तो बाद में इसको रखा इसलिए गया कि आगे आने वाले को कि कुछ प्रेरणा मिल जाए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने दान देकर के ये बनाया, ऐसी प्रेरणा मिल जाए, इसके लिए रखा। और किसी एक परिवार हम स्वामी जी से किसी स्वामी जी से भी पूछे थे, स्वामी जी इसका क्या रहस्य है कि हम ऐसे दान देकर के उनका नाम लिखे रखे। तो उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल युक्ति बताई, उन्होंने कहा देखो अभी एक पटेल जी ने हमको 1,00,000 रुपया दान दिया इनके पिताजी के नाम पर, वो हमने खुदवा के रखा हुआ, भविष्य में उस पटेल जी का पुत्र आएगा, पौत्र आएगा, वो देखेगा कि हमारे दादाजी ने यहां आश्रम में 1,00,000 रुपया दान किया है तो हमें कम से कम 5,00,000 रुपया दान करना चाहिए। उनका अभिमान बोलेगा हमारे पिताजी इतने दादाजी इतने साल पहले 1,00,000 दिया है तो हमसे कम हमको 5,00,000 देना चाहिए, ये भाव उसके मन में आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं।
मैं बोला बहुत अच्छा, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी सही बताया, प्रेरणा प्रेरणा मिलेगी इंस्पिरेशन। हाँ, उसके लिए दादाजी उनके गुरुजी दादाजी पिताजी सब दान किए हैं करके उनको मालूम हो जाएगा, क्योंकि सभी पिता दादा बोल के नहीं जा सकते हमने ऐसे ऐसी जगह दान किया है, कैसे बोले। कभी उसको देखने का मौका मिला तो हम ऐसा कर सकते, इसके लिए उन्होंने उत्तर दिया। इस प्रकार से ये कुछ विशेष बात मतलब कुछ कारण से बाद में रखा गया जो भी है, किंतु दान देने का भी अभिप्राय होता है अपने सर्वस्व त्याग, अभिमान को त्याग। इसलिए एक सर्व मेध यज्ञ को होता है, सर्वमेध यज्ञ ये इसमें कर्म में सबसे उत्कृष्ट कर्म उसको मानते हैं सर्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ फल के हिसाब से बड़ा है, ये सर्वमेध यज्ञ उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें सर्वस्व त्याग करते, सब कुछ त्याग करते। जिसे रघु के कहानी आप सुनेंगे, राजा रघु जिनके कुल में श्री राम जी जन्म लिए, इसलिए उनको राघव नाम पड़ा। तो राजा रघु ने इस प्रकार के सर्वस्व त्याग किए, अपने पहना हुआ कपड़ा तक आपको त्यागना। उस त्याग के माने दान के समय में जो ब्राह्मण जो दान लेने के लिए आता है वो जो पूछता है वो सब आपको देना पड़ेगा, और बाकी कुछ बचा भी नहीं सकते, जो कुछ है सब आपको देना पड़ेगा, अपने पुत्र पत्नी धन सबको देते, सर्वस्व धन। उसके बाद उसमें भी है स्वादस्वस्व का, उसके बाद फिर उसका विधान है कि जहां वो रहते हैं उसी इलाका में उसको भीख मांगना पड़ता है, तभी आप सर्वस्व दान किया मानेंगे। इसलिए रघु ने भी ऐसे, राजा रघु ने भी ऐसा किया, सब दान करने के बाद उसी राज्य में अपना जहां शासक राजा थे वही वो बाद में भिक्षक बनकर के भीख मांगने लगे। तो इस प्रकार के सब दान आदि का विधान ये अहंकार को अभिमान को त्यागने के लिए ही होता है, क्योंकि जब तक ये अहंकार अभिमान रहेगा तब तक आपके ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। इसलिए ये कर्मयोग को करते हुए भी अभ्यास करें कि हम इसका अभिमान को त्यागें, कर्तृत्व अभिमान को त्यागते हैं। तो इसलिए कहा कामे मदिस्तज्य दान, कि कर्म में जो चार प्रकार में एक प्रकार काम्य कर्म भी है, किंतु जो अधिकारी अभी मुमुक्षु है वो मोक्ष पाना चाहता है और उसके लिए कर्म ही साधन है ऐसा उन्होंने मालूम किया तो कर्म करना आरंभ कर दिया, तो फिर उसको काम्य कर्म में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। क्यों काम्य कर्म में क्यों नहीं प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि काम्य कर्म कभी कर्मयोग नहीं हो सकता, काम्य कर्म का नियम है। काम्य कर्म करते समय जब संकल्प करेगा आपको बोलना ही पड़ेगा कि मुझे इस काम के लिए ये कर्म करना है, नहीं तो आप कर्म आप कर नहीं सकते, उसका अधिकारी आप नहीं हो सकते। मैं सबके लिए स्वर्गगाम अग्निहोत्र कर रहा हूं, ज्योतिष्टोम कर रहा हूं, नहीं हो सकता। ज्योतिष्टोम में बैठना है तो आपको स्वर्ग जाने की इच्छा होनी चाहिए, अन्यथा आप ज्योतिष्टोम नहीं कर सकते। अश्वमेध करना है तो आपको चक्रवर्ती बनने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो हम ऐसे ही अश्वमेध करेंगे दिखावे के लिए, आजकल कुछ करते हैं ऐसा, ऐसा विधान नहीं, उसका नियम बताया, उसके अधिकारी तो उस कामना से युक्त ही होता है, और नहीं है तो हम नहीं कर सकते। इसलिए पुत्र काम, पुत्र की इच्छा है तब पुत्र कामेष्टि, धन की इच्छा है धन कामेष्टि, पशु कामेष्टि, ग्राम्य कामेष्टि मैंने गांव में प्रधान बनना चाहते हैं, आजकल जैसा नेता बनना चाहते हैं, एमएलए एमपी से बनना चाहते हैं, ऐसे जो भी है। इस प्रकार तत्त्व इच्छाओं को लेकर के ही जो कर्म होते हैं उसको काम्य कर्म कहते हैं, वो इच्छा छोड़ के नहीं कर सकते हैं, कर्मयोग हो नहीं सकता है। इसलिए कहा कि काम्य मदिस्तज्यता, अभी काम्य कर्म करने की चेष्टा मत करें, यदि आप साधक है तो उन कामनाओं को त्याग, ये तो साफ है। तो यहां भी काम्य में मधि का अर्थ है कर्तव्यदा बुद्धि, ये मुझे करना चाहिए, ऐसी बुद्धि न रखें। इस स्वर्ग जाने की इच्छा आपको नहीं है तो ज्योतिष्टोम न करें, तत्त कर्मों का अलग विधान है, इसलिए वो अलग ही सेक्शन है, अलग विधान है काम्य कर्म का। नित्य नैमित्तिक तो आपको करना ही पड़ेगा,
नित्य नैमित्तिक का जो है अलग होता है, नित्य नैमित्तिक करते हुए आप उसमें कर्मयोग का विधान कर सकते तत्त करने। अब ऐसे करने से उसका साक्षात फल क्या हो, इस प्रकार तेनेशस्य विधीयताम के द्वारा हम कर्म का अनुष्ठान किया तो पापौघ परिधूयता, पापानाम औघ समूह पापौघ, पापों का ढेर, इन कर्मों को करते करते आप अपने पापों को नष्ट करें। पाप कहां रहता है? पाप रहता कहां है? पुण्य पाप ये रहता कहां है? मन में ही रहता है। बिल्कुल सही है, पाप कर्म मन में ही रहता है। पाप पुण्य सब आपके अंतःकरण में संस्कार रूप से रहता है, इसलिए पाप का त्यागना, पाप को साफ करना मना अंतःकरण को शुद्ध करना, ये दोनों एक ही अर्थ होता है। जैसा पाप कम होता है वैसा अंतःकरण शुद्ध होता है, जैसा अंतःकरण शुद्ध होता है वैसा पाप निकल ही जाता है, पाप रह नहीं सकता। तो इसलिए ये कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से करने से अंधकर्म शुद्ध होता है। जैसे हमने बताया ये अभिमान त्यागने की बात, ये मुख्य है कर्मयोग में, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, तत्तद अभिमान को त्यागते हुए जब कर्म करेंगे तब वो पाप को नष्ट करें। नहीं तो आप कर्म करते ही रहते हैं, आपका पाप नष्ट नहीं होगा, अंधकर्म शुद्ध नहीं होगा यदि आप अभिमान को नहीं त्यागेंगे। केवल कहीं कर्मयोग करने के लिए कोई ड्यूटी दे दिया, वो करते रहा तो होगा करके सोचने से नहीं होगा, वो नहीं होता है। वो जैसा आपको जप करने के लिए, अन्य पूजा आदि करने के लिए, ध्यान करने के लिए एकाग्रता की जरूरत है, वैसा ही कर्मयोग करते हुए अभिमान आ रहा है नहीं आ रहा है देखने के लिए बहुत एकाग्रता की जरूरत है। क्या आपको गिन के देखना पड़ेगा? जैसे हमारे परम गुरुदेव शिवानजी महाराज पुस्तक में लिखते हैं कि रोज शाम को आपको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि हमने इतने इतने कर्म आज किए, उसमें कहां कहां मेरा अभिमान आगे आया और कहां कहां मैं अच्छा किया, अभिमान मेरा कम रहा, किसके साथ क्या बात की, कि उससे मेरा प्रयोजन, हमारा मेरा तात्पर्य क्या था, कि अच्छे उद्देश्य किया कि बुरे उद्देश्य किया, साधन को कब कब मैं भूल गया, कब कब नहीं भूला, इस सब की डायरी रखना चाहिए, हिसाब रखना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल चीज है, आप हिसाब रख के देखें, एक महीने में आपको पता लगेगा कितने परिवर्तन आप में आए, हिसाब रखे बिना मालूम नहीं हो। स्वामी जी ने करके देखा, अनुभव किया, उसके पहले किसी ने ऐसा नहीं बताया कि इस प्रकार हिसाब रखे देखो, और बाद में भी नहीं बताया, बाद में भी नहीं, वो बहुत प्रैक्टिकल चीज है। उसको हिसाब से आपको पता लगेगा कि मैं ऐसे ऐसी जगह पे अपना मतलब धैर्य खो बैठा कि मैं मेरा अभिमान आगे आया तो इसका फल मुझे जरूर मिले। और स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि ऐसा मुझे फल मिला, मैं जहां जहां ऐसा अभिमान से किया उसका बुरा फल मेरे को बाद में मिला। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत अच्छी चीज है, हम स्वामी जी की पुस्तक पढ़ते रहते हैं तो इसको अपना एक चीज, स्वामी जी जितने उपदेश दिए सब प्रैक्टिकल साधन है, उसमें से एक एक आप एक साल में अपनाएंगे तो आप 10 साल में ऐसे उत्कृष्ट संत बन जाएंगे। इतने सरल उपाय थे किंतु अपनाता नहीं है, ये पढ़ते तो रहते हैं सुनते भी रहते हैं, कोई भी चीज एक भी हम अपनाते थे कि इस एक चीज को अभी भी अपनाएंगे। अब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आपको चाहिए रात के समय में सोने के पहले बैठ के सोचना है, सुबह उठकर के क्या क्या हमने किया स्टेप बाय स्टेप, फिर उसमें कैसे हमारा अभिमान काम किया, ये मुख्य है वहां, क्योंकि अभिमान जैसा काम किया फल आपको ऐसा आएगा। तो ये पापों का धोने की तरीका ये है,
कर्मयोग करते हुए, साधन कुछ भी करते हुए, जो भी अवस्था में, कोई सन्यासी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ये सब तो सभी के लिए सामान्य नियम, इसमें कोई अलग अलग जरूरत, जो करते हैं उसका फल तो आप को ही जानना है। तो फिर किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि यह करने के बाद मुझे क्या आने वाला है, आप ही पहले निश्चय कर पाएंगे कि यह मैंने किया है इसका फल मेरे पास जरूर आए, और जितना कठोर किया होगा उतना वो जल्दी आता है। शास्त्र में एक जगह एक नियम बताया है कि जैसा जैसा आप कठोर पाप करेंगे वैसा जल्दी जल्दी आपको फल मिलेगा। पुण्य भी ऐसा है, उत्कृष्ट सबसे बड़ा पुण्य किया, महत्वपूर्ण कार्य किया, समय पर किया, तो उसका फल भी आपको जल्दी मिलेगा। पाप होगा तो भी मिलेगा, पुण्य होगा तो भी मिलेगा। और जैसा कमजोर है, जितना कमजोर है उतना समय ज्यादा लगेगा। कोई पुण्य अभी किया, इतना कमजोर पुण्य है, कोई घर में आया एक गिलास पानी पिला, ये भी एक पुण्य है। घर में आया तो मेहमान आया पानी पिलाया पुण्य है, किंतु ये ऐसा एक साधारण कमजोर पुण्य है, इसका फल आपको अगले जन्म में उसके आगे जो है कभी आपको कोई पानी पिलाएगा इसके रूप में मिले। किंतु ऐसे व्यक्ति को आपने पानी पिलाया जो अत्यंत कष्ट स्थिति में है, वहां पानी मिलने की संभावना नहीं है, बहुत दुख भोग रहा है, पानी के लिए तड़प रहा है, और आप अपने लिए पीने के लिए थोड़ा पानी रखे थे, उसको आप यदि उसको पिलाया तब तो उत्कृष्ट में आता है उसका फल। जैसा आप रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं तो वहां उसका प्रयोग होता है, जैसा जंगल में जाते हैं खाना इत्यादि आपने बांटा उसका पुण्य अलग, घर में आया खाना खिलाया उसका अलग होता है। इसके लिए कहा त्रिभीर वस्त्रय त्रिभीर पक्षय त्रिभीर मासय त्रिभीर दिनय अत्युत्कटै ही पुण्य पापै इहैव फलमस्मि। उत्कट जैसा होगा वैसा फल इधर भी है, यदि अत्यंत उत्कट पाप किया तो तीन दिन में उसका फल आपको मिले, कभी कभी तीन से भी कम में मिलता है। उत्कट पुण्य है तो तीन दिन में उसका असर होगा, और उससे कम है तो तीन पक्ष में, और तीन महीने में, फिर तीन साल में, फिर उससे भी कमजोर बहुत कमजोर है तो तीन जन्म में आगे ऐसा मिले। तो ये पुण्य पाप में भी अंतर होता है। इसी प्रकार हम किस अभिमान से कितने जोर से जो कर्म किया उतना ही फल हमको प्राप्त होगा, वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए ये पाप को नष्ट करना, अंधकरण की शुद्धि, इसको बहुत ही ध्यान से एकाग्रता से समझने की बात है। जैसा अन्य कार्य हम करते वैसा ही ये भी है। तो पाप औघ्र परिधूये धाम, इस प्रकार पाप को साफ करते रहे तो क्या होगा उसका फल, उसका फल अंधकरण शुद्धि। अंधकरण शुद्धि का मतलब भव सुखे दोषोनुसंधीयता। अंधकर्म शुद्धि जैसे ही हो जाती है वैसा उसको संसार में दुख दिखाई पड़ता है, संसार सुख में उसको दुख दिखाई पड़े, वैराग्य ये अंधकरण शुद्धि होने से पहला चरण में ये होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है कि ये दुनिया कैसे है। कहा भव सुखे, भव मन संसार, उस सुख में दोषोनुसंधीयता, दोष का अनुसंधान होगा, दोष का विचार होगा। परीक्ष लोगान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद माया नास्ति कृतक कृते न। सब लोगों की परीक्षा करके जितने लोक है प्राप्य स्थान भोग लोक्यंदे भुज्यंदे यदि लोका भोग कोई लोग करते, उन सब की परीक्षा करके उन सब का स्वरूप जान के कि इन लोगों में मिलता क्या है इसको जान के,
अब ये जो पृथ्वी में भूतल में क्या मिलता है आप बहुत कुछ जानते हैं, और यहां क्या सुख दुख होता है आपको मालूम है, अनुभव है कि कितने कुछ करने पर भी परेशानियां होती। पहले पुत्र नहीं होने से परेशान था, बाद में पुत्र हो गया तो पुत्र से परेशान, धन नहीं होने से परेशान था, धन आ गया तो परेशान, और लाने के लिए भी परेशान, इसके बीच में भी परेशानी। कुल हिसाब करके देखेंगे तो आपको अंत में यही कहना पड़ेगा कि परेशानी बहुत है, सुख बहुत कम मिलता है, सुख का हिसाब बहुत कम होता है, इसलिए भवसुख में दुख ही है। सर्वं दुखम विवेकिनः, ये वाक्य पतंजलि सूत्र में भी है और बुद्ध भगवान ने भी कहा। जब विवेक करने लगते हैं, विचार करने लगते हैं नित्यानित्य का, तब तो सभी दुख ही प्राप्त होता है। कोई साक्षात दुख है, कोई भविष्यत दुख है, कोई परिणामी दुख है, कोई तो कार्य तो सीधा ही दुख उससे प्राप्त होता है, कोई अभी तो सुख जैसा है भविष्य में दुख बनने वाला, कोई परिणाम होकर के अभी धीरे धीरे उसका परिणाम होना है भविष्य में दुख रूप में बने, तो दुखम सर्व दुखम विवेक ने कहा। इस प्रकार संसार में सुख जैसा जो लगता है वो सुख लेश है, सुख लव है, वो है वास्तव में दुख, ये विचार करने से ही मालूम होता है। विचार वही कर सकेगा जो जिसके थोड़ी भी अंतकरण शुद्धि होगी, जो धर्म का आचरण किया होगा, कर्मयोग किया होगा, भक्ति योग किया होगा, थोड़ा भगवत नाम श्रवण किया होगा, उसको ही इस प्रकार विचार करने का मौका मिलता है। अंतकरण शुद्धि वहीं से शुरू होती है। तो उसके बाद दोषों ने संधि अदा, तो दोष देखा सारे संसार में तो क्या करेंगे, वो यही दोष वो मालूम करेगा कि जैसा हम इस लोक में कुछ कर्म करने से ये कर्म का फल हमको प्राप्त होता है और बाद में वो फल नष्ट हो जाता है, कोई भी कर्म का फल हमेशा के लिए नहीं रहता, वो नष्ट होता है। एक जो कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ता है ऐसा वो सोचता है मुझे एक नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा, नौकरी मिलने के लिए प्रयत्न करता है। एक ऑफिस में कोई नौकरी मिल गई, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, किंतु कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में उसका मन बदल जाता है, इससे भी और अच्छा होता तो और अच्छा है। उसके लिए जीवन के लिए जितना धन चाहिए उस वो भी प्राप्त हो रहा है, उससे अधिक भी प्राप्त हो रहा है, उसका बचत भी हो रही है, फिर भी उसको क्या रहता है, और आगे हो, और आगे प्राप्त होने से और आगे हो, 100 मिले तो 1000, 1000 मिले तो लाख, ऐसे ये चलता रहता है, इसके कभी भी तृप्ति नहीं है। इसका मतलब उससे आपको सुख पूरा प्राप्त नहीं हो रहा, आप उससे अधिक सुख चाहते, तो लोभ बढ़ता आ जाता है और बाद में आपका समय आपको कम लगता है, आपको लगता है कि मैं 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा कोई कोई 20 घंटे काम कर रहे हैं तब भी मैं इतना कमा नहीं पा रहा, लोभ उतना अंदर बैठा हुआ है कि इतने समय में कमाने से जो प्राप्त हो रहा है उससे भी वो तृप्त नहीं, फिर शॉर्टकट ढूंढता है कि 20 घंटा हम काम करके भी इतना ही प्राप्त कर पा रहे हैं, अभी हमारा जीवन अभी इतना ही बच्चा है, अभी इतने समय हमको काम करना है तो ज्यादा से ज्यादा करोड़ कमाना है, ये क्या करना चाहिए। वो लोग उसको इतना प्रेशर देता है अंदर से, वो सारा कुछ बचपन से सिखाया हुआ जो भी कुछ है सब भूल जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, सारे भारतवासी हमारे भाई बहन हैं, सब जो सिखाया वो सब भूल जाता है और
गलत करने लगता है, धोखा देने लगता है दूसरे को, झूठ मरोड़ सारे करप्शन शुरू हो जाते हैं। ये लोभ जो है ऐसी चीज है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। यह आपको कोई धर्माचरण करने नहीं दे, अधिक से अधिक चाहते हैं। तो ये अधिक से अधिक चाहने का तात्पर्य ये होता है कि पूर्व पहले पहले से वो अतृप्त था, वो उसको सुख नहीं दिया, वो दुख दिया। एक युक्ति है, सुख दिया तो उसी में रहना चाहिए था ना, सुख नहीं दिया, सुख दे नहीं सकता। और करते 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 अंत में कहां पहुंच जाएंगे आपको मालूम है, फिर जेल में पहुंच जाएंगे है? तो इसीलिए ये संसार में जो सामने सामने आपको दिख रहा है इसका ही परिणाम ऐसा है, तो फिर आगे का लोगों का तो और ही बात है। तब यथा यह कर्मचित लोगो क्षीयते तथा अमुत्र पुण्यचित लोगो क्षीयते। जैसे यहां कर्म के द्वारा प्राप्त किया भोग नष्ट हो जाता है, वैसे ही यहां से आगे चलकर जो प्राप्त करते हैं वो भी नष्ट होता है। ऐसा करके आपको वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो सब लोगों के भोगों के प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई, विषय इच्छा बंद हो गई। तो विषय इच्छा बंद हो गई तो फिर किसकी इच्छा होगी? तो कहा आत्मेच्छा व्यवसीयता। अब जो है आत्मा की इच्छा करें, ये आत्मा इच्छा का अर्थ आत्मा को चाहेगा, ये एक साधारण अर्थ है, किंतु अन्य इच्छा का त्याग ही आत्म इच्छा है। आत्मा वे वारे द्रष्टव्य, क्योंकि मैं बनना चाहता हूं, ऐसी किसी की इच्छा नहीं होती है ना। ये क्या बता रहे हैं, मैं बनू, मैं मनुष्य बनू, मैं आत्मा बनू, ऐसी इच्छा होती नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये आप नहीं जानते हैं कि आपको अपने आप में अपनी महिमा में स्थित होने से क्या फल मिलता है, ये आप नहीं जानते। बाहर के विषयों को प्राप्त करने से क्या फल मिलता है ये आप जानते हैं, किंतु अपने अंदर रहने से, अपने आप में रहने से क्या फल मिलता है आप नहीं जानते। और ये आपका निकटतम स्वरूप जो आत्मा है वो सब कुछ है। आत्मा को जानना मतलब संपूर्ण आनंद को प्राप्त करना, जिससे अधिक प्राप्त करने के आपको लोभ नहीं होगा, तृप्त हो जाएगा उसमें, ऐसे आनंद का भंडार है ये आत्मा, ऐसा आपको मालूम नहीं है। और जो कुछ भी वेदांत तो यही कहता है, जो कुछ भी बाहर से आनंद जैसा प्राप्त होता है वो भी इसी का ही झलक है, इसी का ही अंश है, ऐसा आत्मा है। अब वैराग्य बाहर विषयों को त्यागे बिना ये आत्मेच्छा नहीं होगी। तो आत्मेच्छा प्राप्त होगी, आत्मा को जानने की इच्छा होगी तो सब विषयों को त्यागेंगे, तब फिर क्या करेगा वो? आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मेच्छा में निश्चय होना, व्यवसीयता का अर्थ व्यवस्थित हो जाना, निश्चित हो जाना, आत्मा को ही अभी प्राप्त करना ऐसे निश्चय हो जाए। तब निज गृहात्म विनिर्गम्यता, ऐसे आत्म इच्छा जब हो जाती है तो शंकराचार्य जी कहते हैं अपने घर से तुरंत वो निकल जाएगा। निज गृहात् तूर्णम तुरंत ही विनिर्गम्यता, निकल जाएगी। ये बड़ा मुश्किल है, अब तक की बात जो है ठीक है, किंतु कर्म करो, कर्मयोग करो, इसमें अभिमान करने की प्रयास करो, पूजा करो, भगवत समर्पण करो और काम्य कर्म को त्यागो, ये भव सुख में दोष देखो, ये सब जो बात बताया ये सब ठीक है, लेकिन निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यता, अपने घर छोड़ के जाने वाली बात तो
नहीं बनती, मुश्किल है, नहीं होता, कोई नहीं कर सकता। किंतु अंधत्व गत्वा कभी न कभी आपको यह करना ही पड़ेगा। आज नहीं है, इस जन्म में नहीं है, तो कभी न कभी करना ही पड़ेगा, आप करेगा ही। भाष्य में इधर आगे इसका अर्थ निजग्रह का अर्थ दूसरा भी किया, जो अपने घर को त्याग नहीं सकते हैं उसको क्या करना चाहिए, निजग्रह का अर्थ वो घर के साथ आसक्ति, घर के साथ संबंध है, पुत्र पौत्रों के साथ संबंध है, इसको त्याग करके घर में रहो। ये होता नहीं है, ये प्राक्टिकल तो है नहीं, बोल सकते हैं ऐसा हो सकता है करके, बोलने के लिए बोल सकते हैं, किंतु बहुत मुश्किल। आप अलग थलग होकर के घर के कोने में रहेंगे और घर के किसी कार्य में आप दखल नहीं करेंगे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। घर के कार्य में दखल करने का समय आपका चला गया, अब रिटायर्ड हो गया, चुपचाप बैठना चाहिए घर में शांति से, तब भी हम नहीं बैठते। बेटा बेटी जो भी कुछ करता है उसमें बीच बीच में अपने सिर डालते, ये ऐसा क्यों करता है, वो क्यों करता है, ये क्यों करता है, सारे हल्ला परेशानी कर खड़ा कर। अब बेटा सोचता है ये पुराने जमाने का आदमी, ये कुछ नहीं समझता है, ये कंप्यूटर नहीं सीखा है, और ये आजकल जो व्यापार व्यवसाय चलता है इसके बारे में क्या जानता है और क्या उपदेश दे रहे हैं। बहुत झगड़ा शुरू हो जाता है, अशांति शुरू हो जाती है, न बेटे को शांति, न पिता को शांति, घर में अशांति। ये देखकर के पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये नियम रखा कि जब बेटे का बेटा हो जाता है तो घर से निकल जाओ, वानप्रस्थ में चले जाओ, ज्यादा प्यारा लगता है। हाँ। तो तब कहते हैं कि अभी बेटा का बेटा हो गया, वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब जाएंगे, नहीं होता। इसलिए वो उन्होंने ऋषियों ने जो कहा बिल्कुल समझ के कहा, यदि बेटे का बेटा होने से आप घर से निकल जाता है, बेटे को आपके प्रति प्रेम आदर रह जाता है, आपको भी शांति रहती है, आपके आगे के लिए आप साधन भी कर सकते हैं, आसक्ति सब निकल जाती है, आप अनासक्त हो जाता है, ये जो भी साधन बताए आप सब कुछ वहां बैठ कर सकते हैं, किंतु होता है ये नहीं हो रहा है, यही हमारी कमी है। इसके बिना आप कुछ भी करो वो उतने ही रह जाता है, उसमें कमी रह जाती है। इसलिए त्यागने का समय आया तो त्यागना चाहिए, और हमारे व्यवस्था में भी ये नियम रखा है। रिटायर्ड के लिए क्यों समय रखा है, रिटायर्ड होना है 60 साल में, अभी 60 साल कर दिया, तो रिटायर्ड होने के लिए समय रखा है आपको, रिटायर्ड होने के लिए, किंतु फिर भी हम रिटायर्ड नहीं होते। 60 साल में ऑफिस से रिटायर्ड हो जाता है, फिर दूसरे काम शुरू करते, तुरंत ढूंढ लेता है दूसरा काम क्या करना है, दूसरे पहले तैयार रखता है कि वहां से और कितने साल हम कमा सकते हैं, उतने साल कमा। 90 साल का हो गया तब भी काम करने वाले, नौकरी करने वाले को हमने देखा है, प्राइवेट में तो अभी कभी कितने साल भी कर सकते, वो रिटायर्ड होना उसको आता नहीं है, हम रिटायर्ड होके क्या करें। हमने एक समझा हुआ ऐसे एक व्यक्ति को देखा जो 75 साल का है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये 75 साल का व्यक्ति है, वो टैक्सी चला रहा है, वो टैक्सी हरिद्वार में कोई कंपनी का है, वो टैक्सी चला रहा है, वो बद्रीनाथ में उधर सब यात्रियों को ले जाता है, तो वहां बद्रीनाथ में हम मिले थे, वहां परिचय हुआ था। उसके बेटा जो है, दोनों बेटे बहुत अच्छे नौकरी कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसके अपने जो है हॉस्पिटल है, उसके जो है बहू में काम कर रही है, सब उसके लिए कोई कमाने की जरूरत नहीं, किंतु ये व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता। वो पहले मिलिट्री में था, बोल रहे उधर से रिटायर होकर आया, कहीं और जगह कुछ समय काम किया, वो काम भी नहीं हो पा रहा है, तो अभी टैक्सी चला रहा है। देखिए कैसे वो चुप नहीं बैठ सकता, अब टैक्सी लेकर के वहां बेरिंदाबाद उस ठंड में वहां खड़ा रहता है, जब तक यात्री वहां दर्शन करके नहीं आता, एक दो दिन भी खड़ा रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोलता है मैं महीने में 15,000-20,000 कमा लेता हूं, घर में बैठे रहने से क्या करें, बेटों से मांगना पड़ेगा, क्या करें, उसको तो पेंशन भी मिल रहा, वो भी अब खुद ही बताया
ये 20,000 यहां कमाता है, पेंशन से भी 10-12,000 कुछ मिल जाता है, वो सब मिलकर के 30-35,000 उसका हो जाता है। वो हिसाब अभी भी कर रहे हैं 75 साल का। ये आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे सोच। आज मैंने अभी आने के समय फोन किया जी, 90 साल का हमारे दोस्त है। हाँ। कुछ किताब के बारे में नोटरिंग ने बताई। दादाजी कॉलेज गए, ऑनररी डायरेक्टर है ना, सौ फूल शुक्र जाता है। अच्छा, 6 बजे जाना है। 90+। अच्छा, ये तो बोला अभी, मैं तो बोला था 90+ वाले को नौकरी करते, स्वामी जी भी बोल रहे। तो ये देखिए हमारे समाज में ये सब कौन क्रिएट कर रहा है। अभी देखिए इसमें सामाजिक प्रॉब्लम क्या है, सोशल प्रॉब्लम ये और है कि ये 90 साल का व्यक्ति रिटायर्ड नहीं होगा तो जवान जो पढ़ के आएगा उसको नौकरी कहां मिलेगी। और कंपनी वाला चाहता है कि एक्सपीरियंस लोग चाहिए, इसलिए ये रिटायर्ड होगा तो उसको नौकरी मिलेगी ना। और कितने भी नौकरी आप उत्पन्न करें, ये रिटायर्ड होने वाला रिटायर्ड नहीं होगा तो कहां से दूसरे को नौकरी, और स्थान रिक्त नहीं। ये बहुत बड़े सामाजिक प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था थी ये बिल्कुल सही था कि उसमें समाज में भी शांति है, घर में भी शांति है, सब कुछ ठीक ठाक कर। अब जब आप करेंगे तो आपके बेटा भी ऐसे करेंगे। इसलिए ये जो साधन है, घर में रह करके कुछ साधन हो सकता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा पूरा नहीं हो सकता। इसलिए कहा निज गृहात् पूर्णम विनिर्गम्यता, अपने घर से निकल जाना ही पड़ेगा आपको यदि आप में इच्छा ही है, तो और कोई संबंध नहीं हो सकता, आसक्ति नहीं हो सकती। कहीं भी आप दूर रह करके काम कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कमरा लेके कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे आश्रम बने हैं जहां इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम करने को देते हैं। हमारे उत्तरकाशी में भी ऐसे कई आ रहे हैं, पति पत्नी वहां आकर के रहते हैं, साधन करते हैं, फिर ठंडी में कभी नीचे आ जाते हैं, गर्मी में वहां आ जाते हैं, अपने जो है जो कुछ पेंशन आदि मिल रहा है उससे उनका काम चलता है, साधन भजन होता है, ऐसे करने वाले कई हैं। इसलिए ये आसक्ति तो कभी ना कभी आपको छोड़ना ही पड़ेगा संपूर्ण शांति के लिए, उसके बिना नहीं होगा। तो ऐसा ये उपदेश, ये जो पहले श्लोक में जो उपदेश दिया कि आपको वेद अध्ययन से लेकर के उसमें बताए हुए कर्म साधना से लेकर के वैराग्य तक कैसे पहुंचना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताया कि तदुदा कर्म स्वष्टियदा, फिर कर्म को कर्मयोग बनाओ, फिर काम्य कर्म को त्यागो, इस प्रकार अंतकर्म शुद्धि करो और वैराग्य को प्राप्त करो, मोक्षेच्छा प्राप्त करो, आत्मेच्छा प्राप्त करो और घर से निकलो। अभी आगे की कथा इससे आगे। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् जी।